वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजनी और आज मैं आप लोगों के साथ सूजी और आलू की कचौरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। लेकिन इस कचौरी को मैंने बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बनाया है, तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी, सूजी की कचौरी। सूजी की कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे पैन में पानी। अब हम डालेंगे अजवायन, कलौंजी के दाने, एक चौथाई चम्मच नमक, एक चम्मच तेल। पानी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। पानी हमारा गर्म हो चुका है तो अब हम धीरे धीरे इसमें सूजी डालेंगे और लगातार इसे चलाते रहेंगे ताकि ये जमे नहीं। यहाँ पे जब आप देखें कि आपका जो सूजी है वो गाढ़ा होने लगा है तो फिर आप सूजी डालना छोड़ दें। तो ये देखिए, अब जो हमारा सूजी है वो गाढ़ा हो चुका है, तो थोड़ी देर हम इसे पकाएंगे तो ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम स्टॉप कर देंगे सूजी डालना और अब गैस के फ्लेम को लो करके हम इसे एक मिनट पका लेंगे। सूजी जो हमारी है वो पक चुकी है, तो अब हम इसमें कुछ सब्जियाँ और मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ टमाटर, तो यहाँ आधा हम टमाटर इस्तेमाल करेंगे। बारीक कटा हुआ प्याज, तो प्याज भी हम यहाँ पे आधा इस्तेमाल करेंगे। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च यहाँ पर हम एक चौथाई इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डाल देते हैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब हम डाल देते हैं आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला का पाउडर, थोड़ा सा नमक हम इसमें और ऐड करेंगे क्योंकि हम इसमें सब्जियां डाल रहे हैं, एक चौथाई लाल मिर्च का पाउडर। और अब हम डालेंगे उबला हुआ आलू, तो उबला हुआ आलू को यहाँ पे हम कद्दूकस करके डाल देंगे। ये देखिए, अब सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, कचौरी बनाने के लिए अब जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। उसके बाद हम इसे कचौरी का शेप देंगे और फिर इसे फ्राई करेंगे। हमारा कचौरी का जो आटा है वो अब ठंडा हो चुका है, तो थोड़ा सा तेल हम अपने हाथों में लगाएंगे और इस तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। वैसे कढ़ाई में हमने इसे अच्छे से मिक्स किया था, फिर भी हाथों से अगर आप मिक्स करते हैं तो वो ज़्यादा बढ़िया से मिक्स हो जाएगा, इसलिए हाथों की सहायता से यहाँ पे हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, सूजी को यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक बार फिर से हम अपने हाथों में तेल लगाएंगे और इसमें से थोड़ा सा सूजी का मसाला हम अपने हाथों में लेंगे और जिस तरीके से कचौरी बनती है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे हमें इसे शेप देना है। ये देखिए कितनी ज़्यादा कलरफुल लग रही है देखने में और खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बना करके ट्राई कीजिए। ये देखिए, शिमला मिर्च वगैरह जो है उसको आप इस तरीके से दबा दीजिए। तो यहाँ पर कचौरियाँ रेडी हो चुकी है, तो सभी कचौरियों को हम इसी तरीके से तैयार करके और फ्राई कर लेते हैं। हमारा जो है सो गर्म हो चुका है और यहाँ पर सारी कचौरियों को मैंने शेप दे दिया है और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है देखने में। तो एक एक करके सभी कचौरियों को हम यहाँ पे डालेंगे। और अब इसे बार बार पलटते हुए हमें गोल्डन कलर होने तक इसे फ्राई कर लेना है। तो एक बार अब हम इसे पलट लेते हैं। गैस के फ्लेम को यहाँ पे आपको मीडियम रखना है। ये देखिए, हमारी जो कचौरियाँ हैं अब वो फ्राई हो चुकी हैं, तो इन सबों को अब हम निकाल लेते हैं और अब सेकेंड बैच को हम फ्राई करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर ले। सो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गुड बाय। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ।